न्यूज़लाइन इंडिया के सभी दर्शकों को नमस्कार। और ये दृश्य आप सच्चाखेड़ा और दनोदा गांव के बीच का देख रहे हैं, जहां हिसार चंडीगढ़ हाईवे के बीचों बीच एक बड़ा हॉल बन गया है। और इस कारण क्या कुछ हादसा हुआ है, क्या बड़ी घटनाएं यहां घटी है, इसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी। फिलहाल वो हॉल आपको दिखाया जा रहा है जहाँ पर बीचों बीच सड़क के ये हॉल बन गया। और इस हॉल के बनने का क्या कारण है, क्या आसमान से कोई बिजली गिरी या ज़मीन के नीचे से इस सड़क को इस प्रकार एक होल बनाया गया है, पूरी जानकारी के लिए यहाँ जो लोग हैं उनसे भी आपकी बात करवाई जाएगी। क्या कुछ घटनाएं हुई हैं वो भी दिखाई जाएगी। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार हिसार चंडीगढ़ हाईवे के बीचों बीच एक गोल होल हो गया है। और इसे देख कर हर व्यक्ति घबराया हुआ है, क्योंकि यहाँ से लाखों वाहनों का आवागमन दिन और रात होता रहता है। और ऐसे में बड़ी घटना का शिकार यहां से गुजरने वाले वाहन चालक हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार NHAI के अधिकारियों को इस घटना का पता भी लग गया है, लेकिन इसके बावजूद भी यहां ऐसे कोई प्रबंध नहीं किए गए हैं जिससे दूसरे वाहनों को इस खड्डे में गिरने से बचाया जा सके, हादसे से बचाया जा सके। तो आप देख सकते हैं ये वो सामान है जो NHAI के कर्मचारी यहाँ डाल के गए हैं। और इस खड्डे को अब भर दिया गया है, बहुत ही गहरा ये खड्डा हुआ था। और क्यों खड्डा हुआ, क्या NHAI ने यहाँ निर्माण में कोई कोताही बरती है, तो चलिए दिखाते हैं इस खड्डे के कारण क्या कुछ हादसा हाईवे पर हुआ है। तो ये देख सकते हैं उस खड्डे में ये एक ट्रक है जो हिसार से नरवाना की तरफ आ रहा था, और इसमें किन्नू भरे हुए हैं। आप देख सकते हैं सड़कों पर किस प्रकार पूरा सामान बिखरा हुआ है, लाखों रुपये का ये सामान बताया जा रहा है। और जो चालक इस ट्रक को चला रहा था उससे ही बात करवाई जाएगी, क्या कुछ कारण मानते हैं इस घटना के पीछे। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार जो किन्नू है वो लेकर आ रहा था चालक, और सड़क पर बिखरे हुए हैं और नुकसान लाखों का आप साफ देख सकते हैं। तो जितने दर्शक इस खबर को देख रहे हैं तो इस घटना को देखकर ज़रूर बताएं, क्योंकि NHAI द्वारा सड़क का निर्माण करवाया गया है। और सड़क के बीच खड्डा हो जाने के बाद जब कोई वाहन चालक इस प्रकार हादसे का शिकार होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं बिल्कुल पलटी लगा दी है किन्नू से भरे ट्रक ने, और सड़क के बीचों बीच ये किन्नू बिखरे हुए हैं। और चालक मायूस है क्योंकि बड़ा नुकसान चालक को हुआ है। तो चालक से बात करते हैं क्या कुछ है और क्या लेके आ रहा था अचानक ये खड्डा देखकर अन बैलेंस हो गया जी मेरा, क्योंकि मेरी कमानी इसका टूट के गाड़ी पलट के इधर आ गई फुटपाथ। अच्छा, नेशनल हाईवे पर जो मान लेते हैं नेशनल हाईवे की वजह से मेरा नुकसान हुआ जी, देते हैं हमारे से पहले ही ले आ जाते हैं एडवांस पैसे, तो डबल पैसे लेते हैं हमारे से, हमारा हरदम इसी रोड से चल रहे हैं। तो लापुरा हाईवे पर इतना हादसा हुआ जी, इसके अलावा कोई और भी हो सकता था, मेरा बचाव हो गया मालिक की उससे। तो आपने सुना किस प्रकार इस ट्रक के चालक ने बताया कि कितना नुकसान हुआ और कितना और ज़्यादा नुकसान यहाँ हो सकता था अगर कोई हरियाणा रोडवेज या कोई प्राइवेट बस जिसमें यात्री यहाँ सवार होते और वो घटना का शिकार हो जाती तो कितनी बड़ी घटना यहाँ हो सकती थी और इसके लिए कौन जिम्मेवार होता, वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। तो आप देख सकते हैं ट्रक का टायर किस प्रकार फटा हुआ है, और खड्डे में लगने के बाद ये ट्रक का टायर फटा है जिसके बाद ट्रक की कमानी टूटी और पलटी लगा दी। और हालांकि इस घटना में चालक जो है बाल बाल बच गया है, लेकिन नुकसान लाखों का। और ये दूसरा ट्रक है जिसमें चावल भरे हुए थे, इसी खड्डे के कारण ये ट्रक भी आप देख सकते हैं किस प्रकार सड़क से नीचे, ये ट्रक भी हिसार से नरवाना की तरफ आ रहा था। और चावल के बैग आप देख सकते हैं वो कुछ ना कुछ ठीक कर दिए गए हैं, लेकिन पलटी लगा दी, हल्की चोटें इस ट्रक के चालक को आई है। जिस कंपनी के चावल हैं उनके कर्मचारी भी यहां पहुंचे हैं और पूरा जायज़ा लिया जा रहा है कि इसके लिए कौन जिम्मेवार हैं। और आप जितने दर्शक इस खबर को देख रहे हैं तो खबर को पूरी देखकर बताएं कि इस प्रकार के हादसे होते हैं तो कौन जिम्मेवार हैं और किन कौन से विभाग को इस नुकसान की भरपाई करनी चाहिए, क्योंकि सड़क पर चलने के लिए हम टोल टैक्स व अन्य कई प्रकार के टैक्स अदा करते हैं, उसके बाद सड़क पर चलने की अनुमति मिलती है। टोल टैक्स जगह जगह लगाए गए हैं सरकार द्वारा, और ऐसे में इस प्रकार के हादसे होते हैं तो कौन जिम्मेवार हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, चावल से भरा एक ट्रक सड़क से नीचे खेतों में गिरा हुआ है। और राहत कार्य की बात करें तो आप देख सकते हैं जो खड्डा
शुरू की तस्वीरों में आपको दिखाया था वो भर दिया गया है। और ये पूरे नीचे से एक पाइपलाइन नुमा एक जगह है, एक सुरंग है जहाँ से ये सड़क बैठी है और यहीं पर ये हादसा हुआ है। बहुत गहरी जगह है जहाँ पर ये खड्डा हुआ है। हालांकि रूट डाइवर्ट किया गया है वाहनों का, एक ही तरफ से वाहनों को निकाला जा रहा है ताकि सड़क सही तरीके से बनाई जा सके और दूसरा कोई वाहन इस प्रकार की घटना का शिकार ना हो। और जानकारी के लिए बता दें कि हिसार चंडीगढ़ हाईवे पर नरवाना इलाके में यह पहली घटना है जो इस प्रकार सड़क धंसी है। और बात करें दिल्ली पटियाला हाईवे की, जो नरवाना क्षेत्र से होकर गुजरता है, तो कई बार वहाँ सड़कें टूटी हैं। हालांकि हिसार चंडीगढ़ हाईवे को दुरुस्त तरीके से बनाया गया था, लेकिन इस प्रकार एक होल बीचों बीच बन जाने के बाद अब वाहन चालकों को कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित तरीके से लेकर ही सड़क पर उतरना पड़ेगा।